तक हॉस्पिटल में गए हैं, उस टाइम तक जो साहब का हमारी बहन का शोर था उसने यही बात की, चलो कोई बात नहीं, हादसा है, कोई बात नहीं, हादसा है, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। ऊपर से मैं दवाइयाँ दी हॉस्पिटल में काफ़ी लोगों का कि ये बच्चे मेरे हाथ के बले में, मेरे बहन और भाई, कि ये नहीं ऐसा कर सकते, ये नहीं ऐसा कर सकते। लेकिन उसके बाद जब वो वहाँ से गया, उसने पता नहीं किसकी बातों में आगे जो भी शक और शुबात में उन दोनों के नाम लिखवाए गए। बच्ची की वालदा का कहना है कि खुसूसन वालिद जो पहले ही उन्हें छोड़ चुका है वो किसी किस्म का हक नहीं रखता, और उसने झूठा इल्ज़ाम उसकी बहन और भाई पर लगाया जिससे और ज्यादा शक में इजाफा हुआ कि आखिर इसमें बाप तो मुलव्विस नहीं। दूसरी जानिब बाप ने क्या कहा, उन्होंने इस किस्म के इल्ज़ामात की तो तरदीद की लेकिन उसके साथ साथ इल्ज़ाम इनके भाई पर यानी अपने साले पर लगा दिया। मुझे तकरीबन 2:48 या 50 मिनट पे मेरी साली ने फ़ोन किया, मरियम सुल्ताना ने, कि जमील भाई जल्दी से घर आ जाओ, आयशा के गले में फंदा लग गया। तो मैं घर से भागा जल्दी से, और फिर मैंने रास्ते में भी फ़ोन किया, मैं कहा मुझे समझ नहीं लगी, बता क्या हुआ है। कह रही जी आप घर आ जाओ, उसे ना फंदा लग गया आयशा के गले में और उसकी सांस बंद हो गई है। और भागते हुए मैं जब ये सैर मीठा दरबार है वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि मोटरसाइकिल पे मेरे साले ने उसको पीछे पकड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, आगे ना एक स्टोर वाला है वो मोटरसाइकिल चला रहा है और लेके आ रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ ही, सैर मीठा हॉस्पिटल। तो उस टाइम मुझे पता चला है, वो हॉस्पिटल में लेके गए हैं बच्ची को, तो उन्होंने बोला इसकी डेथ हो चुकी है। हाँ जी बिल्कुल, वो जब मैंने उसको देखा है ना उसी टाइम जो है एक मेरे दिल ने गवाही दी है कि बच्ची तो मर चुकी है। उसका हुलिया ऐसा था, उसका कलर, खूबसूरती, चेहरे की सब कुछ जो है ना एक ख़त्म हो चुका था। बच्चे जो है ना मेरे पास नहीं थे, बच्चे जो है ना अपनी माँ के पास ही रहते थे, क्योंकि एक आध बार मैंने रखने की कोशिश की है, इनको रोते थे मेरे पास, तो मैंने मुनासिब यही समझा कि बच्चे जो है ना माँ के पास ही रहें, तो इसलिए बच्चे जो है ना दोनों अपनी माँ के पास ही रहते थे, अपनी नानी के घर में। उसकी आयशा की जो माँ है और उसकी नानी वो उम्रे पे गए हुए थे। उस घर में एक तो तैमूर तमजीद जो मेरा साला है वो रहता था, और दूसरा जो है ना नज़ीर साहब जो मेरे ससुर हैं वो रहते थे, और एक मेरा बेटा अब्दुल्ला और मरियम सुल्ताना। उस वक्त जब मतलब ये वकूआ हुआ है ये उधर रह रहे थे, बाकी उसकी आयशा की अम्मी और नानी वो जो है ना उम्रे पे थे। जब मुझे पता चला तो लाजमी बात है हमने तो पुलिस के पास ही जाना था ना, तो जो कुछ भी किया है वो पुलिस वाले ही कर रहे हैं, सब जो है कोशिश कर रहे हैं, अब तक कोशिश कर रहे हैं कि जो है ना ये कातिल जो है सब जो है सामने आ जाएं कौन है। ये देखे ना इसका तो मुझे भी नहीं इल्म, ना मुझे बताया गया कि उसने क्यों कोशिश की है, लेकिन ये है कि पोस्टमार्टम के वक्त वो कहता है जी कि ना पोस्टमार्टम नहीं करवाना। मैंने कहा क्यों नहीं करवाना, कहता है जी ये इस्लाम में जायज़ नहीं है, तो इसके लिए ना किसी मौलवी से ना पता किया जाए कि ये पोस्टमार्टम इस्लाम में जायज़ है या नहीं, इसके लिए फतवा लेकर आएं। फिर मैंने गुस्से से उसको ना ज़रा झंझोड़ा कि चलो उधर जाके सामने बैठ जाओ, पोस्टमार्टम जो है ना वो किया जाएगा। वो मेरी साली जो है वो भी मुझे कहती थी कि पोस्टमार्टम नहीं करवाना, पोस्टमार्टम नहीं करवाना। देखें बात ये है कि कत्ल जो है ना वो उसकी नानी के घर में हुआ है, और सीधी बात जो है ये है कि मेरे बेटे ने देखा है, मेरे बेटे ने बताया है कि पापा तैमूर मामू जो हैं वो आयशा बाजी का गला दबा रहे थे, और उनके दो दोस्त जो हैं उन्होंने हाथ पाँव पकड़े हुए थे। ये मेरा बेटा जो है ना क्लियर बताता है मुझे। मैंने लेकिन वो कह मैंने पूछा बेटा पहले क्यों नहीं बताया, कहते हैं उन्होंने मुझे डराया हुआ था मरियम खाला ने और तैमूर मामू ने कि अगर आपने पापा को बताया, जमील को बताया, तो हम ना आपको भी मार देंगे।
तो ये 14-15 दिन से मेरे पास रह रहा है, इसका डर ख़त्म हुआ है, ये खुद ब खुद बोलता है, मुझे बताता है, हर बात मुझे बताता है और बार बार बताता है। इस तमाम तर से मुख्तलिफ और यकसर मुख्तलिफ आयशा के छोटे भाई अब्दुल्ला ने जो देखा उसने मुख्तलिफ कहानी ही बताई। ऊपर ना मामू ना अपने दोस्तों को ना बुला रहा था हैं, पहले ऊपर सेटअप किया है, पहले तो वो ऊपर पूछने आया था कि क्या हुआ है, खाला कहती कि ना कुछ हुआ होगा, कुछ नहीं हुआ था हैं, फिर ना खाला ने ना फिर ना मामू छत से टपके गया हैं, फिर मामू ना अपने दोस्तों को ऊपर से ला के ना हैं कहता कि ना चला ही को मारने चले हैं, माँ खाला को भी ऊपर बुला लिया, खाला जब मैं नाश्ता कर रहा था ना अंडा ब्रेड खा रहा था है, खाला ना मुझे ऊपर छोड़ के चली गई, फिर ना मैंने ना ऊपर देख रहा था सुराख से कि क्या कर रहे हैं, खाला उसके हाथ पकड़ी थी हैं, फिर मामू का दोस्त एक मामू का दोस्त दो एक दो मामू के दोस्त थे ना हाँ दो दो मामू के दोस्तों ने ना एक दोस्त ने ना के पैर पकड़े हुए थे तो हैं, फिर ना एक दोस्त ने ना उसके पांव पर गुदगुदी कर रहा था हैं, फिर खाला ना आयशा के ना पैर हाथ पकड़ के रख रही थी ताकि वो मार ना सके किसी को, फिर वो लोग चले गए हैं, फिर ना फिर खाला ना जब से आई है ना आयशा को ना वहीं पर ही रोने लग गई, पहले तो हॉस्पिटल में रो रही थी हैं, फिर वहां पर रोने लग गई। देखें जी, जब तक तो मेरा डिवोर्स नहीं हुआ था तब तक तो मेरी नजर थी इनके ऊपर कि ये कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, हर चीज़ से मैं इनको मना करता था, रात को देर से मतलब कि रात को देर से आता था, बुरी सोसाइटी में बैठता था, मैं मना करता था। डिवोर्स के बाद मेरा तल्लक ख़त्म, जहाँ मर्जी जाए, जहाँ मर्जी आए, जहाँ मर्जी बैठे, लेकिन जो है ना ये जो हरकत हुई है ये इनके घर में ही हुई है ना। पुलिस ने जो है ना कार्रवाई की है, पुलिस हॉस्पिटल में आई थी, उन्होंने सब कुछ लिखा, पोस्टमार्टम तक वो उन्होंने पोस्टमार्टम भी करवाया, सब कुछ करवाने के बाद वो तैमूर को ले गए और जब बच्ची का जनाजा उठा के ले गए उसके बाद मरियम को भी ले गए वो, और पुलिस काम कर रही है, पुलिस मतलब अच्छे तरीके से जो हमारे साथ कंप्रोमाइज़ कर रही है और तसल्ली भी दे रही है कि इंशाल्लाह चंद दिनों में ये जो जितने भी मुजरम हैं ये सब आपके सामने जो है ना लाए जाएंगे। जमील जिस जगह पर काम करता था या आयशा के वालिद जहां पर मुलाजमत करते थे उस दुकान के मालिक का क्या कहना है वो भी देखिए। मैं थाने में गया था किसी और मामले के लिए, यहाँ पे एक और मसला हुआ था, बच्चे को फायर लगे हुए थे, तो मुझे पता लगा कि मोहल्ले में ना एक लड़की 8-9 साल की ना उसकी डेथ हो गई है, उसने खुदकुशी कर ली है। तो मैंने कहा 8-9 साल की बच्ची क्या खुदकुशी करेगी, तो मैं बाहर थाने में गया तो मेरी SHO साहब से बात हुई, मैं कहा SHO साहब अपना मुझे पता लगा एक मसला हुआ, तो ये क्या, उन्होंने कहा जी यार पता लगा कि बच्ची ने खुदकुशी की है, इस तरह वो उधर पर्दे के रेलिंग के ऊपर वो झूले ले रही थी, तो कभी ये कहते हैं झूले ले रही थी, तो उसके गले में फंदा था तो वो अड़ा कील के साथ, तो कील के साड़ के उसने वो नीचे गिरी है तो उसकी डेथ हो गई है। मैंने कहा SHO साहब ये है एक मसला कि कील जो है तकरीबन 2.5 इंच बाहर था, मैंने कहा जब उस पर वेट आता है तो वो कील तो है या तो नीचे गिर जाना चाहिए या टेढ़ा मेरा हो जाना चाहिए, कील तो अपनी जगह से हिला भी नहीं ना पर्दे की रेलिंग को कुछ हुआ, और वैसे भी 8-9 साल की बच्ची को क्या पता अगर खुदकुशी की। उन्होंने कहा जी वो बच्चे ने कहा है कि जी अपना ना आप ही ने खुदकुशी की है इसलिए उसका फादर जो है वो मुतमिन है। मैंने कहा SHO साहब पुलिस की भी जिम्मेदारी होती है, ये मर्डर है लग रहा है, आप इसका ना पोस्टमार्टम करवाएं। उन्होंने कहा अच्छा हाँ ठीक है वैसे होना तो चाहिए, चले मैं करवाते हैं पोस्टमार्टम। खैर फिर मुझे पता चला कि सुबह पोस्टमार्टम होने लगा तो इसके जो ब्रदर-इन-लॉ हैं उन्होंने कहा जी इस्लाम में जो है पोस्टमार्टम जायज़ नहीं है, हमने पोस्टमार्टम नहीं करवाना, तो मुझे SP साहब ने बताया कि मुझे पता लगा कि SP साहब ने फिर फोर्स करके वो पोस्टमार्टम करवाया। जब पोस्टमार्टम हो गया तो वो मर्डर निकल आया,
तो मैं प्रेस क्लब में बैठा हुआ था, एक इजलास था, तो मुझे मोहल्ले से फ़ोन आया कि वहाँ पे ना बच्ची के मर्डर में ना एक लड़का मोहल्ले का भी पकड़ा गया और उसके मामू को पकड़ लिया, तो आप उसका ज़रा पता कर दें। मैंने कहा यार अगर तो वो मर्डर हुआ है, मैं रात को ही कह रहा था मर्डर है, और अगर मर्डर साबित हो गया तो मैंने तो उसका नहीं पता करना जितनी देर इन्वेस्टिगेट नहीं होता। इन्वेस्टिगेट हो जाए तो फिर उसके बाद अगर वो क्लियर है तो जाहिर सी बात है वो आ जाएगा। थोड़ी सी बेचैनी होने लगी, मैं यहाँ पर आया, मैंने देखा कि यहाँ पर आके क्या सूरत हाल है। मैंने देखा यहाँ पर सिर्फ दो बंदे ही पकड़े हैं, ना पुलिस आई है दोबारा मौके पर, ना कोई मसला मसाइल हुआ, ना उन्होंने कोई चेक किया। तो मैंने फिर दोबारा एसपी साहब को कॉल की, तो वो थोड़ा बिजी थे, उनसे बात ना हो सकी। तो फिर मैंने उसका एक टिकट बना के कुछ उसकी तस्वीरें जो बच्ची की थी, जो डेथ की, जो मर्डर की आई हुई थी, वो मैंने मुख्तलिफ अपने जो जर्नलिस्ट ग्रुप हैं उनमें सेंड की। उसके बाद फिर काफ़ी जो हैं चैनल्स वगैरह, उन्होंने थाने से भी रब्ता किया, कुछ लोगों ने मुझसे रब्ता किया कि ये लोहारी में किस जगह मसला हुआ। फिर काफ़ी चैनल आए, फिर एसपी साहब भी मौके पे आए, उन्होंने आगे फिर मौके पे जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने बताया कि बच्ची के साथ जो है वो रेप भी हुआ है, और सिर्फ मर्डर नहीं है रेप भी है। उधर फिर हमें पता लगा कि ये रेप भी है। खैर हमने ये चीज़ को फिर उसके बाद इसके साथ चलने वाला कोई नहीं था, ना ही इलाके का कोई चेयरमैन आया, ना कोई वाइस चेयरमैन आया, ना कोई अफसोस के लिए आया। तो चूँकि मैं यहाँ का मार्केट का सदर भी हूँ, और सबसे बड़ी बात ये कि हमारा एक इंसानियत का रिश्ता है, एक छोटी मासूम बच्ची के साथ ये जुल्म हुआ, तो फिर उसके बाद मैं फिर इसके साथ मैं और एक सनाउल अंसारी साहब हमारे भाई हैं वो भी साथ चलने लग गए। दूसरे दिन हाजी अमीन अंसारी साहब को पता चला कसूर में, वो भी फिर इस मामले के लिए आए, उन्होंने भी आके यहाँ पे काफ़ी मीडिया वगैरह आया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मामले को काफ़ी उन्होंने आगे लेके गए। मैं अपील करता हूं चीफ जस्टिस साहब के पास के मेरी बेटी के लिए जल्द से जल्द जो है इनके मुजरमों को पकड़ा जाए और उसको जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए, क्योंकि यहां पर कोई भी इलाके का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और कोई किसी किस्म का काउंसलर कोई भी मेरे साथ जो है ना नहीं चला, और ना ही कोई अफसोस करने के लिए आया। बस यहाँ पे हाफ़िज़ काशिफ साहब और सनाउल्ला अंसारी साहब और जुए साहब और अहले मोहल्ला जो हैं वो मेरे साथ मिलकर चल रहे हैं, और मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी बेटी के जो कातिल हैं उनको जल्द अज जल्द मेरे सामने लाया जाए और उनको उसकी की सज़ा दी जाए। आखिर इतने नाजुक रिश्ते में दरार कैसे पड़ जाती है, और इस हद तक कि वालिद वालदा के घर वालों पर यानी अपने सालों पर इल्ज़ाम आयद करता है, और जो बीवी है वो अपने साबिका शोहर को मुर्द इल्ज़ाम ठहराती है कि उसने ही अपनी बेटी की जान ली। ऐसा किस तरीके से हो सकता है? हमारे मुआशरे में अफहाम व तफहीम बिल्कुल ख़त्म और नापैद होती जा रही है, और मुआशरे में इस किस्म के जराइम की शराह में इजाफा होता चला जा रहा है। सख्त ज़रूरत है तरबियत और तालीम की, ताकि कोई आयशा जैनब की तरह भेंट ना चढ़े और किसी के साथ कोई जुल्म ना हो। जुर्म अंजाम की पूरी टीम के साथ अपने मेज़बान तारिक हफीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।